हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सी ए मीनू शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडेज टॉपिक इज सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE अंडर इनकम टैक्स एक्ट। गाइस, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास अबाउट द टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB एंड वहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा 44AD सेक्शन के लिए भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया था। एंड टुडे वी विल स्टडी इन डिटेल। ओके गाइस, गाइस बिफोर वी मूव फर्दर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन सी माय अपकमिंग एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू गाइस। ओके, लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 44AD, फर्स्ट विल टॉक अबाउट 44AD। बेसिकली ये जो सेक्शंस हैं, दीज ऑल आर अबाउट द डीम्ड इनकम, डीम्ड प्रॉफिट एंड गेन। ओके, सो दैट्स वाई इसका नेम भी क्या है, प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट हमारा रहता है वो डीम्ड होता है, डीम्ड प्रॉफिट पे ही हम टैक्स कंप्यूट करते हैं। सो ये स्कीम्स जो है किसको अवेलेबल है, हु कैन अवेल दीज स्कीम्स, only individual, HUF and firm, but not LLP. okay guys, these are the assessors who can avail these schemes. so first features of section 44AD. 44AD is for the business who are carrying a business, so he can avail 44AD. so what are the features of this scheme? first of all, the turnover of the business should be less than 2 crore. टर्नओवर 2 crore से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली देन ही कैन अवेल दिस स्कीम। सेकेंड, मिनिमम नेट इनकम 8% ऑफ टर्नओवर और 6% इन डिजिटल रिसीट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर हम 44AD स्कीम अवेल कर रहे हैं देन वी विल कंप्यूट 8% ऑफ टर्नओवर, दैट विल बी आर प्रॉफिट अंडर सेक्शन 44AD। एंड इफ वी हैव ऑल द डिजिटल रिसीट्स, मीन्स बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर हमारा बिजनेस हो रहा है देन वी कैन अवेल 6% प्रॉफिट ऑन द टर्नओवर। ओके गाइस, थर्ड, नो नीड टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। येस, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 44AD देन यू डोंट नीड टू मेंटेन एनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड यू डोंट नीड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड ऑल्सो। फोर्थ, to be opted at least for 5 years. yes, if once you are opting this section 44AD scheme then you have to opt this continuously for the next 5 years. next, to pay 100% advance tax by 15th March. ye scheme ke andar aapko 100% advance tax pay karna rahega by 15th March. okay guys, next, not allowed for deduction under section 30 to 38. ओके गाइज, 30 to 38 इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पे हमें डिडक्शंस मिलती है टू अ बिजनेस और अ प्रोफेशन। ठीक है, मैं कुछ आपको जनरल बता देती हूँ, बाकी अगर आप जानना चाहते हो कि ज़्यादा क्या है, इन डिटेल अगर जानना चाहते हो देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दिस सेक्शंस। सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ये सेक्शन 30 लाइक रेट, रेंट, टैक्सेस, ठीक है, सेक्शन 31 अगेन रिपेयर एंड इंश्योरेंस रहता है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सेक्शन 32 रहता है डिप्रिसिएशन, देन सेक्शन 36 रहेगा आपका जनरल डिडक्शंस। तो इस तरह से ये कुछ आपकी डिडक्शंस होती है, तो जो कि अगर आप ये स्कीम नहीं ऑप्ट करते हो देन यू कैन अवेल दीज डिडक्शंस। ओके, बट नाउ इफ यू आर ऑप्टिंग दिस स्कीम देन यू कैन नॉट अवेल दीज डिडक्शंस। येस, बट ओनली यू कैन अवेल वॉट 80C to 80U डिडक्शंस, ये आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, 87A रिबेट अलाउड टू इंडिविजुअल्स। वन मोर थिंग, आप 87A की रिबेट भी ले सकते हो, बट ये सिर्फ आपको इंडिविजुअल्स को मिलेगी। नेक्स्ट, ITR 4 to be filed. If you are opting this scheme, then you cannot file ITR 3. Okay, next, section 44ADA. AD
किसके लिए था? दिस इज फॉर बिजनेस एंड 44 AD इज फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशन हुज टर्नओवर इज लेस देन 50 लाख. जिसका 50 लाख से ऊपर नहीं गया है टर्नओवर, वहां पे ये आप स्कीम ऑप्ट कर सकते हो. देन व्हाट विल बी द डीम्ड प्रॉफिट? 50% ऑफ ग्रॉस रिसीट. जितना भी आपका टर्नओवर, जितना भी रिसीट है, उसका 50% यू कैन टेक एज योर प्रॉफिट एंड देन कंप्यूट योर टैक्स ऑन इट. अदर फीचर्स सेम एज अंडर सेक्शन 44 AD. ओके गाइज, बाकी फीचर्स सेम है, सिमिलर है जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं. वन थिंग, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस. ओके, मैंने यहाँ पे नोट डाला हुआ है, तो प्लीज कम हियर. नोट में मैंने यहाँ दिखाया है एलिजिबल स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से हैं इस स्कीम के अंडर. फर्स्ट इज इंटीरियर डेकोरेशन, सेकेंड इज मेडिकल, थर्ड इज अकाउंटिंग, फोर इज लीगल, देन इंजीनियरिंग, देन टेक्निकल कंसल्टेंसी, देन आर्किटेक्चर, देन मूवी आर्टिस्ट. मूवी आर्टिस्ट में प्रोड्यूसर, एक्टर, एडिटर, लिरिसिस्ट एक्सेट्रा. तो ये सब आपके एलिजिबल बिजनेसेस हैं जहाँ पे आप डीम्ड इनकम ले सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 44 AE, यहाँ पे बात करते हैं हु हैव बिजनेस ऑफ, हु आर इन द बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस. हम इसको बोल सकते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी है. ओके, एंड डज नॉट हैव मोर देन 10 गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर. जिसके पास 10 गुड्स कैरेजेस से ज्यादा पूरे साल में कोई भी गुड्स व्हीकल ना हो, ओनली ही कैन ऑप्ट दिस स्कीम. तो यहाँ पे कैसा रहेगा, हैवी गुड्स व्हीकल एंड अदर गुड्स व्हीकल, वी हैव टू कैटेगरीज. ठीक है, हैवी गुड्स व्हीकल हम कैसे डिफाइन करेंगे, हुज वेट इज ग्रेटर देन 12,000 kg. ठीक है, अदर देन दिस दैट विल बी फॉल इन दिस कैटेगरी, अदर गुड्स व्हीकल. तो हैवी गुड्स व्हीकल में हाउ वी विल कंप्यूट द डीम्ड इनकम, द डीम्ड प्रॉफिट विल बी ₹1,000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इंटू, मैंने यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैं मेंशन नहीं कर पाई, मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ गुड्स व्हीकल. ओके गाइज, ₹1,000 पर टन फॉर द मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ, चाहे वो किसी मंथ के पार्ट के लिए हो तो वो भी कैलकुलेट होगा. नेक्स्ट अदर गुड्स व्हीकल ₹7,500 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ. ओके गाइज, तो ये आपको ध्यान में रखना है. तो ये रही हमारी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम, आई होप आप सबको समझ में आया होगा. इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, तो गाइज प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. आई होप आप सबको अच्छे से समझा पा रही हूँ. एंड प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो कभी भी आपको कुछ भी आपको देखना रहेगा तो स्क्रीनशॉट से आपको बेनिफिट मिलेगा. ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.